नमस्कार, आप देख रहे हैं केबी न्यूज 24/7। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बसपा कल्याण में केंद्रीय मंत्री खुबा, विधायक शिवेंद्र सलगार के समर्थकों के बीच झड़प, वीडियो वायरल। हुमनाबाद हेलीकेड में तिरंगा से ऊंचा लहराया गया धार्मिक झंडा, वीडियो हुआ वायरल। प्रियांक खड़गे का बयान, महिलाओं का अपमान है, उन्हें माफी मांगनी होगी, प्रहलाद जोशी ने कहा। पूरे कर्नाटक में 1.4 करोड़ झंडे लहरा रहे हैं, बोमे ने बताया। लोकायुक्त को कार्रवाई के लिए मंजूरी के प्रावधान को सरकार को हटाना चाहिए, न्यायमूर्ति संतोष हेगड़े ने कहा। आजादी के जश्न में डूबा पूरा देश, कुतुब मीनार से लेकर चार मीनार तक लहरा रहा तिरंगा। राज्यों को निर्मला सीतारमण की सलाह, वित्तीय हालत की समीक्षा के बाद दे मुफ्त उपहार। अब समाचार विस्तार से, शुरू करते हैं बीदर जिले के समाचारों से। केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री, बीदर सांसद भगवंत खुबा और बसपा कल्याण विधायक शिवेंद्र सलगार के समर्थकों में शनिवार देर शाम मामूली बात को लेकर आपस में मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अधिक जोर पकड़ा हुआ है। इस वीडियो की पड़ताल केपी के विशेष संवाददाता ने करके बताया कि दरअसल अमृत महोत्सव के अवसर पर जब भगवंत खुबा ने तिरंगा यात्रा का नेतृत्व संगम बीदर हुमनाबाद होते हुए बसपा कल्याण पहुंचे, तो शहर के बसवेश्वर सर्कल में भगवंत खुबा और शिवेंद्र सलगार के समर्थकों के बीच कुछ कहा सुनी हुई, जिसने बाद में लड़ाई और हाथापाई का रूप ले लिया। इस सबके बीच मंत्री खुबा और विधायक शिवेंद्र सलगार सहित जिला भाजपा के प्रमुख मौजूदगी में यह घटना घटी। इस बीच कुछ कार्यकर्ताओं ने खुबा के खिलाफ नारे लगाते हुए कहा कि शिवेंद्र सलगार को नजरअंदाज किया जा रहा है, जो असहनीय है। इस आक्रोश में कार्यकर्ताओं ने मंत्री खुबा की वाहन पर झंडों के डंडे भी मारे और यहाँ तक कि कार की नंबर प्लेट भी तोड़ दिया। मंत्री की कार वहां से तेजी से निकल गई। इस पूरे मामले को देखते हुए पुलिस की तैनाती को बढ़ा दिया है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। आज जब पूरा देश आजादी का 75वें वर्षगांठ का जश्न अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है और हर घर तिरंगा लहरा रहा है, ऐसे में विभिन्न संघ संगठनों और स्कूल कॉलेज सहित कई लोग विभिन्न रैलियों का आयोजन कर रहे हैं। वहीं हुमनाबाद के हेलीकेड में बीटीवीपी स्कूल द्वारा एक तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें तिरंगा तो लहराया लेकिन उससे भी ऊपर धार्मिक ध्वज लहराते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसकी निंदा की जा रही है। इस खास अवसर पर कुछ ऐसी घटनाएं भी हो रही हैं जो निंदनीय हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। देश की आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान के चलते बीदर जिले में पिछले दो दिनों से जिले भर के स्कूल व कॉलेजों की रैलियां आदि का आयोजन करने का सिलसिला चल रहा है। इसके तहत निजी स्कूलों द्वारा विशाल रैलियां निकाली गई हैं, तो कुछ स्कूल में तिरंगे पर कार्यक्रम, विभिन्न कॉम्पिटिशनों का आयोजन किया गया। कैम्ब्रिज स्कूल, गुरु नानक स्कूल, शाहीन स्कूल ने रैली निकाली, तो वही मेरिडियन स्कूल में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भालकी के कलासदल ग्राम के हुमनाबाद हनुमान मंदिर परिसर में एबीवीपी सदस्य अरविंद वी सुधाकर और डॉक्टर गोविंद राज पाटिल, संगमेश जमशेट्टी, शशांक स्वामी, अभिषेक शिवमूर्ति, हनुमंत माल शेट्टी और सुषमा पाटिल ने एक मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया, जिसमें लगभग 200 लोगों की जांच की गई और जिनको दवा की आवश्यकता थी उन्हें दवाई भी उपलब्ध कराई गई। इस शिविर में ग्रामवासियों ने अधिक संख्या में जांच के लिए पहुंचे। अब देखते हैं समाचार अन्य जिलों के। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने प्रियांक खड़गे को फटकार लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस नेता की टिप्पणी ने महिलाओं का अपमान किया है। प्रियांक ने शुक्रवार को कहा कि पुरुषों को रिश्वत के बिना नौकरी नहीं दी जाती है, जबकि नौकरी के महिलाओं को पुरुष के सोना पड़ रहा है। जोशी ने कहा, इससे पता चलता है कि खड़गे कितने बौद्धिक रूप से दिवालिया हैं। कोई भी महिला ऐसी टिप्पणी का समर्थन नहीं करेगी, उन्हें बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे को विवाद में घसीटते हुए जोशी ने कहा कि जब वरिष्ठ खड़गे केंद्रीय मंत्री थे, तब तत्कालीन सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई मामले थे। उन्होंने कहा, प्रियांक खड़गे को भ्रष्टाचार की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी ऐसे कई मामलों में शामिल है। यह भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में एक मील के पत्थर का उत्सव है, जिसे पूरे देश में गर्व और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हर घर तिरंगे के आह्वान पर शनिवार से देश भर में 40 करोड़ से अधिक तिरंगे लहराने लगे। सड़कें, जंक्शन, घर,
व्यवसायिक परिसर, दुकानें, स्कूल, कॉलेज, सरकारी और निजी कार्यालय पर तिरंगा लहरा रहा है। सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि हर शहर, कस्बे और गांव को भगवा, सफेद और हरे रंग में रंगा गया है, क्योंकि राज्य में 15 अगस्त तक 1.4 करोड़ से अधिक राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। राज्य सरकार ने 1.25 करोड़ झंडे मुफ्त वितरित किए। प्रत्येक ग्राम पंचायत को 500 झंडे दिए गए हैं। वे गाँव, कस्बे और शहरों में ऊंची उड़ान भर रहे हैं। पूरी दुनिया हमें देख रही है। यह कार्यक्रम विधान सौधा की सीढ़ियों पर शुरू हुआ, जहां सैकड़ों छात्रों ने झंडे लहराए। पूर्व सीएम बी एस येडियुरप्पा, मंत्री आर अशोक, गोविंद कारजोल और डॉक्टर के सुधाकर सहित कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए, जबकि कन्नड़ अभिनेता सुदीप, उपेंद्र, तारा, रमेश, अरविंद और कई अन्य अभियान के शुभारंभ का हिस्सा थे। विधान सौधा सहित कई महत्वपूर्ण इमारतें तीन रंगों से जगमगा उठी। कर्नाटक के लोकायुक्त के लिए जाल बिछाना, भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ना और छापेमारी करना जल्द ही दिन का क्रम होगा, जिसे कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा 6 साल पहले स्थापित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को समाप्त करने के बाद अब अधिकार दिया गया है। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और पूर्व लोकायुक्त न्यायमूर्ति एन संतोष हेगड़े, जिनके नेतृत्व में राज्य का भ्रष्टाचार विरोधी निकाय अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल था। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर नजर रखने और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कर्नाटक लोकायुक्त अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए। भ्रष्ट लोक सेवकों पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी लेने की आवश्यकता है। विनायक दामोदर सावरकर स्वतंत्रता सेनानी या देशभक्त नहीं थे, यह दावा करने के लिए विपक्षी नेता सिद्धरामैया पर भारी पड़ते हुए मैसूर के सांसद प्रताप सिम्हा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का जन्म तब भी नहीं हुआ था जब 1857 में स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ था। मैसूर पैलेस के पास कोटे अंजनेय मंदिर में मेट्रोपॉलिटन सर्कल तक भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के हिस्से के रूप में आयोजित बाइक रैली के दौरान बोलते हुए सिम्हा ने कहा, सावरकर ने सिपाही विद्रोह को स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा। जब देश में विद्रोह शुरू हुआ था तब कांग्रेस पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ था, यह सिर्फ एक आंदोलन था। उन्होंने कहा कि यह भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने आजादी के लिए अपना जीवन लगा दिया, न कि नेहरू और इंदिरा गांधी ने। समाचारों का सिलसिला रोकते हुए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482121297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653।
आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आँखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 और 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बिदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें, 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहु उपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध है। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल स्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें, 9448128148, 0848222710। ब्रेक के बाद अब देखते हैं देश के अन्य समाचार। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर स्मारकों को तिरंगे के रंगों से रोशन किया गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि यह प्रयास हर घर तिरंगा मुहिम को निश्चित ही मजबूत करेगा। एएसआई ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से पहले भारत के रंगों में सरोबार कुछ स्थलों की हवाई फुटेज सहित तस्वीरें साझा की है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री मीनाक्षी लेखी ने शनिवार को ट्वीट किया, तिरंगामय धरोवर हर घर तिरंगा मुहिम के तहत एएसआई ने तिरंगों के रंगों में भारत भर के सभी स्मारकों को रोशन किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुफ्त उपहार देने वाले राज्यों से शनिवार को कहा कि वे अपनी वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के बाद ही लोगों को मुफ्त सुविधाएं मुहैया कराए और उसके अनुसार ही बजटीय प्रावधान करे। सीतारमण ने कहा कि मुफ्त सुविधाओं को लेकर बहस शुरू होना अच्छा है। सीतारमण ने राज्यों से कहा, आप कोई वादा कर सकते हैं, मान लीजिए कि जब कोई राज्य सरकार कोई वादा करती है और लोगों को कुछ सुविधाएं मुफ्त में देने की बात कहती है, यह बिजली हो सकती है या फिर कुछ और भी हो सकती है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अपनी वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के बाद ही ऐसा करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत शनिवार को नागपुर में संघ मुख्यालय पर तिरंगा फहराया। एक अधिकारी ने बताया कि नागपुर की जिलाधिकारी आर विमला दिन में आरएसएस मुख्यालय गई और उन्होंने इस अभियान के तहत भागवत को एक तिरंगा भेंट किया। सरकार आजादी के 75वें साल पर यह अभियान चला रही है। यहां महल क्षेत्र में संघ मुख्यालय में भागवत एवं संघ के कुछ पदाधिकारियों के रिहायशी आवास भी हैं। एक दिन पहले ही संघ ने अपने फेसबुक एवं ट्विटर अकाउंट में डिस्प्ले पिक्चर बदलकर उसमें तिरंगा लगाया था। उससे पहले सोशल मीडिया में यह प्रश्न खड़ा किया जा रहा था कि सत्तारूढ़ बीजेपी के वैचारिक जनक आरएसएस के डीपी के तौर पर तिरंगा क्यों अपलोड नहीं किया है। प्रधानमंत्री ने नागरिक से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत डिस्प्ले पिक्चर के तौर पर तिरंगा की छवि अपलोड करने की अपील की है। संतों और विद्वानों का एक वर्ग हिंदू राष्ट्र के रूप में भारत के संविधान का मसौदा तैयार कर रहा है।
माघ मेला 2023 के दौरान आयोजित होने वाले धर्म संसद में इसे पेश किया जाएगा। इस वर्ष फरवरी में आयोजित हुए मेघमाले के दौरान भारत को अपने स्वयं के संविधान के साथ एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए धर्म संसद में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। वाराणसी स्थित शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा कि अब शांभवी पीठाधीश्वर के संरक्षण में 30 लोगों के समूह द्वारा इस संविधान का एक मसौदा तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा, संविधान 750 पृष्ठों का होगा और इसके प्रारूप पर अब व्यापक रूप से चर्चा की जाएगी। धार्मिक विद्वानों और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श और वाद विवाद होगा। इसी आधार पर प्रयागराज में होने वाली माघ मेला 2023 में आधा संविधान करीब 300 पेज जारी किया जाएगा, जिसके लिए धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। पाकिस्तानी सुपरस्टार माहिरा खान और फवाद खान की फिल्म मौला जट का ट्रेलर रिलीज। अब समाचार खेल जगत के। इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे। युवराज सिंह की तरह बल्लेबाजी करना चाहता था एक ओवर में 34 रन ठोकने वाले जिम्बाब्वे के बल्लेबाज का खुलासा। अंत में समाचार बाजार के। मेडिक्लेम कारोबार में एंट्री को तैयार LIC, इड़ा की मंजूरी का है इंतजार। अंत में फिर से एक नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। बसपा कल्याण में केंद्रीय मंत्री खुबा, विधायक शर्मिल सलगार के समर्थकों के बीच झड़प, वीडियो वायरल। हुमनाबाद हेलीकेड में तिरंगा से ऊंचा लहराया गया धार्मिक झंडा, वीडियो हुआ वायरल। प्रियांक खड़गे का बयान, महिलाओं का अपमान है, उन्हें माफी मांगनी होगी, प्रहलाद जोशी ने कहा। पूरे कर्नाटक में 1.4 करोड़ झंडे लहरा रहे हैं, बोमे ने बताया। लोकायुक्त को कार्रवाई के लिए मंजूरी के प्रावधान को सरकार को हटाना चाहिए, न्यायमूर्ति संतोष हेगड़े ने कहा। आजादी के जश्न में डूबा पूरा देश, कुतुब मीनार से लेकर चार मीनार तक लहरा रहा तिरंगा। राज्यों को निर्मला सीतारमण की सलाह, वित्तीय हालत की समीक्षा के बाद दे मुफ्त उपहार। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए KP News 24/7। धन्यवाद।